दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। Realme ने लॉन्च कर दिया Realme C3 और ये स्मार्टफोन बहुत कमाल की प्राइस पे बहुत कमाल के प्रोसेसर के साथ है। कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं जो बेसिक्स होते हैं, लेकिन स्टिल चिपसेट जो है दोस्तों इसका बहुत पावरफुल है अपने प्राइस के हिसाब से। दो वेरिएंट आया हुआ है, 3GB 32GB 7000 में एंड 4GB 64GB 8000 में। अब इसका एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये Redmi 8 को कैसे टक्कर देता है, क्या बीट कर पाता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme C3 को Realme 3 के साथ, क्योंकि उसका प्राइस भी 7,500-8,000 के आसपास ही है। उसमें भी तीन वेरिएंट आते हैं, पहला है 3GB 32GB जो कि 7,500 का आता है, उसके बाद है 3GB 64GB जो कि 8,000 का आता है, और 9,000 में आपको 4GB 64GB मिलता है। अच्छा है, दोनों को देखेंगे कंपेयर करके कौन किसको बीट करता है। चलते हैं इसी वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट तो शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कि पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme C3 से Realme 3 को, यानी C हट जाएगा वहां से, C3 एंड 3। सबसे पहले डिजाइन और डिस्प्ले से शुरू करेंगे तो दोनों स्मार्टफोन अच्छे दिखते हैं, थोड़े नए लुक के साथ आता है C3, इसलिए वो दिखने में भी अच्छा लगता है, सनराइज डिजाइन बैक साइड पे। जबकि अगर Realme 3 में जाओगे तो वहां पे आपको ग्रेडियंट, नॉर्मल ग्रेडियंट डिजाइन मिलता है। दोनों में ड्यूल कैमरास हैं, जहां आपको Realme 3 में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है वहां आपको नहीं मिलता Realme C3 में। उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो जहां Realme C3 में बड़ा डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंच का, वहीं सिर्फ 6.22 इंच का एवरेज डिस्प्ले मिलता है आपको Realme 3 में। दोनों HD प्लस के हैं, जहां Realme C3 का रिजोल्यूशन जो है दोस्तों 1560x720 का है, वहीं Realme 3 में जाओगे तो उसका 1520x720 का है। Realme C3 का एस्पेक्ट रेशियो जो है दोस्तों वो 20:9 का है, तो Realme 3 में जाओगे तो उसका 19:9 का है। दोनों का पिक्सल डेंसिटी जो है दोस्तों PPI वो आपको 270 PPI का मिलेगा। दोनों 85% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आते हैं, ठीक है, अच्छे दिखते हैं। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप Realme C3 की तरफ जा सकते हो। बाकी Realme 3 में तो मुझे कुछ ऐसा प्लस पॉइंट नहीं लगा कि आप डिस्प्ले और डिज़ाइन में जो कि उसकी तरफ आपको खींच सके। यहाँ पे Realme C3 अपर हैंड रखता है क्योंकि बड़ा डिस्प्ले है उसके पास। अब आते हैं उसके बाद चिपसेट में। चिपसेट में भी Realme C3 बाजी मारता है, क्योंकि उसमें नया Helio G70 का चिपसेट है, जबकि Helio P70 का Realme 3 में है। अब G70 जो है वो P70 से बेटर है, क्योंकि नया भी है और पावरफुल भी है दोस्तों, गेमिंग स्पेसिफिक है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, दोनों 12nm पे बेस्ड है, अच्छी चीज़ है। पहले G70 की बात कर लें जो कि Realme C3 में है, ऑक्टाकोर है जिसमें से 2 कोर 2GHz पे क्लॉक दें, बाकी 6 कोर 1.7GHz पे क्लॉक दें। 2GHz वाले कोटेक्स A75 वाले कोर्स हैं, 1.7GHz वाले दोस्तों वही कोटेक्स A55 वाले हैं, नए हैं, पावरफुल हैं। स्कोर की बात अगर करोगे तो ये जाता है 1,90,000 के ऊपर, यानी स्नैपड्रैगन 675 के आसपास या 710 समझ लो दोस्तों, उसके आसपास चला जाता है। उसके बदले अगर Helio P70 में आओगे तो वहाँ पे भी ऑक्टाकोर है, 10nm पे बेस्ड है जैसे मैंने कहा, जिसमें से 4 कोर आपके 2.3GHz पे क्लॉक्ड हैं, बाकी 4 कोर 2GHz पे क्लॉक्ड हैं, और सारे कोर जो है कोटेक्स A73 और A53 वाले हैं, थोड़े पुराने हैं, अच्छे हैं। Realme C3 में माली G52 का GPU मिलता है, जबकि Realme 3 में जाओगे तो वहाँ पे माली G72 MP3 का GPU मिलता है। दोनों अच्छे हैं गेमिंग के लिए, लेकिन ज़्यादा पावरफुल गेमिंग आपको मिलेगी Realme C3 में दोस्तों। दोनों अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन्स पे आते हैं, जहाँ Realme 3 जो है वो एंड्रॉइड 9 के ऊपर आता है, वहीं Realme C3 एंड्रॉइड 10 के ऊपर आता है। Realme 3 में आपको अपडेट जल्दी मिल जाएगा एंड्रॉइड 10 का, एंड अच्छी चीज़ है। डिपेंड करता है कि दोनों में आपको कौन सा पसंद आता है, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करोगे दोस्तों तो Realme C3 का परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बेटर है Realme 3 से। अब आते हैं कैमरा पे, तो कैमरा में दोनों में रियर साइड पे ड्यूल कैमरास हैं। Realme C3 की बात करोगे तो वहाँ पे 12+2 मेगापिक्सल का है, वहीं Realme 3 की बात करोगे तो वहाँ पे 13+2 मेगापिक्सल का है। दोनों के अपर्चर F1.8 के हैं, दोनों से आप 1080 रिजोल्यूशन लाइव वीडियो निकाल सकते हो। दोनों क्रोमा बूस्ट सपोर्ट करते हैं, अच्छी चीज़ है। बाकी बुके पैनोरामा HDR दोनों में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। दोनों में रियर साइड पे फ्लैश हैं, अच्छी चीज़ है, काम कर जाते हैं। उसके बाद अगर फ्रंट कैमरा में आओगे तो Realme C3 की बात करोगे तो वहाँ फ्रंट कैमरा थोड़ा बेकार है, 5 मेगापिक्सल का है सिर्फ, जिसका अपर्चर F2.4 का है और 1080 रिजोल्यूशन वाला वीडियो निकाल सकते हो, मतलब वीक है, बहुत वीक है दोस्तों। इसके बदले अगर आप Realme 3 में आओगे तो वहाँ पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F2.0 का है, वहाँ से आप 1080 रिजोल्यूशन वाला वीडियो निकाल सकते हो, फोटोग्राफी भी कर सकते हो, बुके पैनोरामा HDR दोनों से कर सकते हो। लेकिन क्वालिटी की बात करोगे तो ऑब्वियसली Realme 3 बेटर है, इवन रियर साइड में भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर है इसका बैटरी Realme C3। तो अगर आपको अच्छे कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो Realme C3 से ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा Realme 3 दोस्तों। बैटरीज की बात करें तो दोनों में बड़ी बैटरीज हैं, जहाँ पे 4230 mAh की बैटरी Realme 3 में आती है, वहीं उससे भी बड़ी 5000 mAh की बैटरी Realme C3 में आती है।
दोनों में 10 वाट के चार्जर है, दोनों में USB 2.0 का पोर्ट है, यानी ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए जो नियर अबाउट 15-16% ज़्यादा हो, आप जा सकते हो रियलमी C3 की तरफ, क्योंकि उसमें 5000 mAh की बैटरी है दोस्तों। अब आते हैं सेंसर्स में। सेंसर्स में कोई इशूज़ नहीं आएगा आपको रियलमी 3 में, सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी और फेस अनलॉक भी, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, एमिड लाइट सेंसर, कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब मिल जाएगा। जायरोस्कोप जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड है, लेकिन स्टिल मिल जाएगा। वही सेम चीज़ें आपको रियलमी C3 में मिल जाती है, लेकिन उसमें एक इशू है कि उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, बाकी सारे सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, कोई इशू आने वाला नहीं है। तो अगर सेंसर्स के हिसाब से देखोगे तो रियलमी C3 यहीं पे एक मार खाता है सबसे बड़ा, कि इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को नहीं मिलता दोस्तों। अब आते हैं स्लॉट वेरिएंट और प्राइसिंग पे। स्लॉट दोनों में डेडिकेटेड आता है, जिसको 256 GB तक बढ़ा सकते हो, यानी दो सिम कार्ड के साथ SD कार्ड भी लगा सकते हो, अच्छी चीज़ है। वेरिएंट की बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रियलमी C3 में दो वेरिएंट आते हैं। पहला है 3GB 32GB जो कि 7000 का है, दूसरा है 4GB 64GB जो कि 8000 का है, सिंपल। इसके बदले रियलमी 3 में जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। पहला वेरिएंट आता है 3GB 32GB का, जो कि 7500 का आता है, यानी 500 रुपये महंगा है। दूसरा वाला जो है दोस्तों 3GB 64GB है, बीच वाला वेरिएंट, जो कि 8000 रुपये का आता है, वो वेरिएंट ही नहीं है आपको रियलमी C3 में वो वाला। 4GB 64GB वाला 9000 का आता है, जो कि रियलमी C3 में 8000 का आता है, यानी 1000 रुपये महंगा है आपको रियलमी 3। तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन देख लो, उसके हिसाब से प्राइसिंग देख लो, आपको जो जमता है उसकी तरफ देख सकते हो दोस्तों। कन्फ्यूज़ हो गया तो मैंने नीचे लिख के रखा है एक्चुअली, कि अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए, गेमिंग फ़ोन चाहिए, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ये भी उसका है, मैंने बताना भूल गया था शायद, तो आप जा सकते हो रियलमी C3 की तरफ। अदरवाइज़ अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए और फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, ये दो चीज़ें, तो आप जा सकते हो रियलमी 3 की तरफ। रियलमी C3 के पास पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ दिखती है वो है उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर का ना होना, वही एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मार्टफोन में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेज दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।